नमस्कार, एनबीसी भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल तिवारी। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए गठबंधन 400 पार के टारगेट के साथ आगे बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं का दावा है कि इस बार एनडीए 200 सीटों तक सिमट जाएगी। ऐसी स्थिति में बीजेपी क्या करेगी, इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा दावा किया। अमित शाह ने नरेंद्र मोदी की ओर से पिछले 10 साल के किए गए कामों को गिनाते हुए कहा कि इन कामों के आधार पर ही वह दावा कर रहे हैं कि बीजेपी इस बार 400 पार के साथ सरकार बनाएगी। जब उनसे सवाल किया गया कि क्या बीजेपी के पास बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंचने की स्थिति में कोई प्लान बी है क्या, तो इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, प्लान बी तभी बनाने की जरूरत है जब प्लान ए के सफल होने की 60% से कम संभावना हो, और मुझे यकीन है कि पीएम मोदी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आएंगे। पूरा देश चाहता है कि देश सुरक्षित हो, ये देश समृद्ध हो, दुनिया में इसका सम्मान बढ़े या आत्मनिर्भर बने, ये देश के विकसित भारत बने। हर भारतीय चाहे गरीब से गरीब हो, ये सभी मानते हैं कि पिछले 10 साल में दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। अमित शाह ने दावा करते हुए कहा कि मोदी जी के साथ 60 करोड़ लाभार्थियों की फौज खड़ी है। इनकी ना कोई कास्ट है और ना ही धर्म है। हमने 4 करोड़ गरीबों को घर दिया और अन्य 3 करोड़ को नए कार्यकाल में घर देंगे। हमने 32 करोड़ आयुष्मान कार्ड दिए। हर घर में नल जल योजना के तहत 14 करोड़ घरों में पानी पहुंचाया। 10 करोड़ों में एलपीजी सिलेंडर दिया है। 12 करोड़ में शौचालय बनवाया है। 1 करोड़ 41 लाख गरीब महिलाओं को लखपति दीदी बनाया है। आने वाले समय में 3 करोड़ और महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे। इतने लोगों की फौज मोदी जी के साथ है, फिर प्लान बी की क्या जरूरत है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीसी भारत के साथ। नमस्कार।